भोजपुर जिले के संदेश में बिहार पुलिस के क्विक एक्शन ने एक महिला की जान बचा ली। दरअसल एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाने का प्लानिंग कर लिया था। शमशान घाट पर चिता भी सजाई जा चुकी थी, लेकिन सही टाइम पर पुलिस फरिश्ता बनकर मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बिना देरी किए महिला की जान बचाई। उसे चिता पर से उठाकर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामला कुछ ऐसा है कि पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की जा रही है। ये सूचना भोजपुर जिले के संदेश थाना के दरोगा अवधेश सिंह को फोन पर मिली। अवधेश सिंह ने बिना देरी किए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेजा। संदेश थाना से एएसआई कैसर अली और एएसआई रविंद्र कुमार दलबल के साथ मौके पर रवाना हुए। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा देख उसके भी होश उड़ गए। आपको बता दें कि अगर पुलिस को पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो महिला की जान जा सकती थी। महिला को चिता पर लिटाया गया था। पूरे मामले पर दारोगा अवधेश सिंह का बयान सुनिए। मोबाइल द्वारा सूचना मिला कि सारीपुर घाट के सामने एक चीता सजा हुआ है और उस पर एक महिला लिटाया हुआ है और कफन उफन से सब तोपा हुआ है, लेकिन हल्का उसका हुकूपी चल रहा है। इस सूचना पर हम अपने थाना से सोनी कैसर अली और एक और अधिकारी रविंद्र कुमार को और सशस्त्र बल को साथ परिप भेजे कि जाकर के देखिए क्या बात है। तो वहां गए तो सही में महिला हल्का हल्का करा रही थी, तो वैसी स्थिति में हम कहे कि उसको जल्दी से ले आकर के हॉस्पिटल में रेफर हॉस्पिटल इलाज कराइए, तो वहां से ला करके हम लोग रेफर अस्पताल में इलाज। भोजपुर पुलिस अचानक फरिश्ता बनकर के मौके पर पहुंची और महिला का रेस्क्यू किया। इस मामले में पूरी की पूरी पुलिस टीम महिला के साथ लगी रही। जाहिर है कि पुलिस ने अपना फर्ज निभाया, बिना देरी किए एक्शन लिया गया और महिला की जान जाने से बच गई। स्थानीय लोगों की माने तो पुलिस की तत्परता की वजह से ही महिला की जान बच सकी। द गरम पोस्ट की रिपोर्ट।